subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जिसे हम कैटेटिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जिसके दो मेजर पार्ट हैं। एक हमारा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, एक हमारा है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस या जेक स्टेट पाथवे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच मे दिस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड माय नोट्स, यू कैन चेक माय वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स मीन्स ऐसे रिसेप्टर्स जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, या ऐसे रिसेप्टर्स जिसमें एंजाइम इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे एंजाइम लिंक्ड का। ये भी एक तरीके से आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं, और इस पे आपके होते हैं लिगैंड बाइंडिंग डोमेन्स, जो अपसाइड होता है सेल्स के, मतलब आपके ईसीएफ में होता है और आपके आईसीएफ में होता है एंजाइम रेसिड्यूस। ठीक है, तो इस रिसेप्टर्स में इनबिल्ट एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जब कोई ड्रग इस पे बाइंड नहीं करता है तब उसमें इनएक्टिवेट होते हैं। जब कोई रिसेप्टर्स पे आपका जो ड्रग है, लिगांड्स हैं, वो बाइंड अप करते हैं, तो बाइंड होने की वजह से वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उनमें कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उनमें जो प्रेजेंस एंजाइम है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो एंजाइम फिर अपना सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जो भी वो एंजाइम का काम है। ठीक है, तो हर रिसेप्टर्स का एक अलग रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स होता है। जैसे कि बात करें LGIC की, लिगान गेट आयन चैनल्स की, जिसमें आयन्स मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड हमारा GPCR है, जिसमें जी प्रोटीन मेनली आपका सिग्नल ट्रांसड्यूसर है। इसमें आपके एंजाइम हैं जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं और फर्दर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब इस रिसेप्टर्स को या एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी वाले रिसेप्टर्स, एक होता है नॉन या एक्सट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी वाले रिसेप्टर्स। जिसे हम जो इंट्रिंसिक है उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप RTK, और जो जिसमें इंट्रिंसिक नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज टाइप। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें बात करें प्रॉपर्टी की, तो इसमें बेसिकली इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी होती है, मींस इसमें सेल्फ एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी या ऑटोफॉस्फोराइलेशन प्रॉपर्टी इस पर होती है। ठीक है, जबकि बात करें एक्सट्रिंसिक वाले में, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती है, एंजाइम इटसेल्फ एक्टिवेट नहीं होता है, उसको एक्टिवेट होने के लिए कुछ और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसमें आपका क्या होता है, क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मींस इसमें जो भी प्रोटीन्स उसमें इनबिल्ट होंगे वो खुद एक्टिवेट होंगे, उसके बाद वो दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, बट इस केस में जो है, जो भी एंजाइम इसमें रेसिड्यू होंगे वो सेल्फ एक्टिवेट हो सकते हैं, इसलिए आपका सेल्फ एक्टिवेटिंग या फिर ऑटोफॉस्फोराइलेटिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर टाइप में या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाले टाइप में, जबकि इस पर नहीं होती है। बात करें एंजाइम और उनकी ड्रग्स की या रिसेप्टर्स की, तो उसमें से जो एंजाइम, पहला एंजाइम है इसमें, वो है हमारा टायरोसिन काइनेज एंजाइम, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स या इंसुलिन जो ड्रग है। इसके अलावा हमारा ग्रोथ फैक्टर, याद रखिए ग्रोथ फैक्टर ना कि ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स में या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में ग्रोथ फैक्टर्स और इंसुलिन काम करते हैं, जिसमें जो एंजाइम रेसिड्यू है वो क्या होगा, टायरोसिन होगा, याद रखिए। इसके अलावा आपका ANP आर्टेरियल नाइट्रोजेनिक पेप्टाइड्स जो हैं वो काम करते हैं ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम रिसेप्टर्स पे, मींस उसमें जो एंजाइम होगा वो होगा ग्वानाइल साइक्लेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें एक्सट्रिंसिक वाले में। तो इसमें जो मेन पाथवे है हमारा जेक स्टेट, जो है आपका एंजाइम का नाम है जेनस काइनेस, जिसे हम जेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जेनस काइनेस वाले जो एंजाइम हैं उसमें आपके जो ड्रग या रिसेप्टर्स होते हैं उसमें होते हैं साइटोकाइनेस रिसेप्टर्स और ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सट्रिंसिक वाले हैं या जेक स्टेट पाथवे है, जिसे हम जेक स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बेसिकली आपके इम्यून सेल्स, ये इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है, सेल ग्रोथ है, सेल प्रोलिफरेशन है, या फिर ट्यूमर सेल्स ग्रोथ हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जेक स्टेट पाथवे। तो इस तरीके से हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप, सेकेंड हमारा नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप और जेक स्टेट पाथवे। तो आज हम पढ़ेंगे RTK। चलिए
अब आते हैं हम टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के बारे में। तो इसमें आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे होता है लिगान बाइंडिंग साइट्स, जिसमें लिगांड्स बाइंड होते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर या फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के बारे में, क्योंकि ये जो लिगांड्स क्या हैं, ये हमारा है ग्रोथ फैक्टर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिगांड्स बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स। तो ये जो लिगांड्स हैं वो इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जब बाइंड कर लेंगे तो बाइंड होने की वजह से इस पर कंफर्मेशनल चेंजेस होंगी, एक्टिवेशन होगा, और ये जो रिसेप्टर्स हैं बनाएंगे डाइमराइजेशन होगा, इसमें डाइमर फॉर्म होगा। तो बन गया डाइमर, ये क्या बन गया हमारा डाइमर। डाइमर बनते ही ये जो एंजाइम रेसिड्यूज हैं वो फर्दर एक्टिवेट होंगे। सो नेक्स्ट आपका स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिटिक डोमेन। जो भी कैटालिटिक डोमेन है, एंजाइम एक्टिवेशन होगा। तो यहाँ पे इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पे क्या होते हैं, टायरोसिन एसे रेसिड्यू, क्या होते हैं टायरोसिन एसे रेसिड्यू, एंजाइम की तरह काम करते हैं टायरोसिन काइनेज। तो ये फिर जो है टायरोसिन काइनेज फास्फोलाइट होगा, मतलब इसमें जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और अपना फास्फेट ग्रुप इसको देगा, तो ये हो गया फास्फोलाइट हो जाएगा। सो टायरोसिन काइनेज फास्फोराइलेशन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑटो फास्फोराइलेशन। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं वैसे ही एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाते हैं सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप है बाइंडिंग विद द एसएच डोमेन प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन रेसिड्यू है, सॉरी एंजाइम रेसिड्यूज है, टायरोसिन काइनेज ये है, ये है। तो हर एक रिसेप्टर अपने अपने अलग अलग लोकेशन के बेस पे, सेल के बेस पे, वो फर्दर एसएच टू डोमेन प्रोटीन से बाइंड करता है, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर है। तो ग्रोथ फैक्टर और ये ग्रोथ रिसेप्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं, तो उसके बेस पे यहाँ पे जो SH2 डोमेन प्रोटीन होगा वो होगा GRB2, ठीक है। अब हर एक के लिए अलग होता है ना, इंसुलिन के लिए अलग है, ग्रोथ फैक्टर के लिए अलग है, ठीक है, NP के लिए अलग है, तो हर के लिए अलग होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की। तो ग्रोथ फैक्टर आपका लिगांड है, ड्रग है, मान चलो एगोनिस्ट है, जो कि बाइंड किया रिसेप्टर्स पे, और इसमें बाइंड होगा फिर SH2 डोमेन प्रोटीन जो होगा GRB2, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होने की वजह से ये फर्दर जो रास पाथवे है, यहाँ पे RAS जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो नहीं है यहाँ पे, R कैपिटल और स्मॉल AS, ठीक है। तो रास पाथवे जो है एक्टिवेट होगा, ये भी एक तरीके से प्रोटीन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, वो एक्टिवेट होने की वजह से मतलब फास्फेट होगा, वो फर्दर जो हैं आपके रास, राफ और MAPK के जो बहुत सारे चैनल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे पाथवेज हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। जब रेस या रास, राफ और MAPK के पाथवे एक्टिवेट होते हैं, तो फर्दर ये फिर जो हैं हमारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो आपके DNA है उसमें जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो रास, रेफ और MAPK के पाथवे जो है फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शन कॉज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो कि होगा फंक्शनल प्रोटीन। ये फिर फर्दर हमारे सेल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेलुलर इफेक्ट के लिए। अब क्योंकि रास, रेफ और MAPK पाथवे क्या करते हैं, ये बेसिकली जो इनका जो रोल है क्या होता है, इट इज ए चेन ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल दैट कम्युनिकेट द सिग्नल फॉर द सेल ग्रोथ, क्या क्या, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन या प्रोलिफरेशन। तो इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर है। तो ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा ना, डेवलपमेंट करेगा। क्या कब होगा वो, जब सेल ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड होगा और सेल डिफरेंशिएट होगा। तो ये मेन आपका फंक्शन है, टाइप है, सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे हमारे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स का, या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का। याद रखिए दो टर्म्स हैं, एक होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसमें रिसेप्टर पे ही एंजाइम इनबिल्ट होते हैं और सेल्फ एडिट होते हैं, मतलब रिसेप्टर ही खुद एंजाइम की तरह काम करता है। एक होता है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, जिसमें रिसेप्टर में अलग है और टायरोसिन काइनेज अलग है, वो उससे एसोसिएट होते हैं, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे उस रिसेप्टर पे ही टायरोसिन काइनेज इनबिल्ट है, मतलब वो रिसेप्टर ही एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सो आई होप आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे, ये बहुत ही एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बनते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोज। इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द जेक स्टेट पाथवे और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।